सभी लोगों को यह सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 320/23 धारा 31 गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियुक्त कलीम उर्फ हीरा सन ऑफ ताज मोहम्मद अबले आरोप अलाउद्दीनपुर थाना कोतवाली जनपद मऊ का ये मूल निवासी है। ये अवैध तरीके से धन एकत्रित करके ये जमीन के साथ ये भवन का निर्माण किराया कराया था। 14-1 की कार्रवाई से बचने के लिए इसने अपने सगी भतीजी आपसा परवीन सन ऑफ स्वर्गीय नसीम आरओ लच्छी आरओ अलाउद्दीनपुरा पीएस कोतवाली जनपद मऊ जो हाल मकान नंबर 64/1 में ये रहती थी, 14-1 की कार्रवाई से बचने के लिए ये काफी धन एकत्रित है, काफी दिन से लुक छिप के यह रहता था। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के 22/10/2024 के 14-1 की कार्रवाई के आदेश के और पालन के क्रम में ये मकान और जमीन की कीमत लगभग 39,20,050.63 वर्ग मीटर वो मकान नंबर 64/1 को 14-1 की कार्रवाई के तहत ये कुर्क की जाती है। ये मकान ना ये किसी को खरीदा जा सकता है ना ये कभी बेचे जा सकते हैं। यद्यप अगर किसी व्यक्ति द्वारा ये खरीदा गया या बेचा गया या किसी प्रकार का कोई भी प्रलोभन दिया गया इसके सिवा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। धन्यवाद। निवासी अलाउद्दीनपुर थाना मुकदमा अपराध संख्या 320/23 धारा 31 गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त कलीम और पीरा सन ऑफ स्वर्गीय ताज मोहम्मद और मुख्तार अहमद आरो अलाउद्दीनपुरा पीएस कोतवाली जनपद मऊ का ये मूल निवासी रहा है। ये अवैध तरीके से धन एकत्रित करके काफी दिनों से ये मकान प्लस जमीन भी जिसकी कुल कीमत 40 लाख के करीब रही है इसने अपने 14-1 की कार्रवाई से बचने के लिए अपनी भतीजी आपसा परवीन सनफ नसीम अहमद आरओ अलाउद्दीनपुर पीएस कोतवाली जनपद मऊ को इसने रजिस्ट्री कर दिया था। श्रीमान जिलाधिकारी के 22/10/2024 के आदेश के क्रम में 14-1 की कार्रवाई करते हुए उक्त संपत्ति 39,20,050.63 वर्ग मीटर वो मकान नंबर 64/1 को कुर्क की जाती है। ये संपत्ति न किसी को खरीदी जा सकती है न ये करी के ये बेची जा सकती है। किसी प्रकार की ये संपत्ति ये किसी के हाथ में नहीं होगी। अयोध्या अगर किसी के प्राथ ये अगर संपत्ति का दुरुपयोग किया गया उसके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होगा। पीछे हो जाइए सब लोग। देखिए मजदूर सरकारी फिर थोड़ा सा धीरे है नमस्कार। आप देख रहे हैं 1-2-3 बजा दो पूरा मामला किस तरह कार्रवाई की गई कौन है देखिए अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आदेशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज एक 14-1 यूपी का गैंगस्टर एक्ट में कुर्की की कार्रवाई संपन्न की गई। यह जो अभियुक्त है वह गैंगस्टर का अभियुक्त जिसका नाम कलीम उर्फ हीरा है जो पुत्र ताज मोहम्मद अलाउद्दीनपुरा का रहने वाला है यह पुराना अपराधी रहा है। इसके ऊपर आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं और एक मुकदमा जो गैंगस्टर का 320/23 प्रचलित है उसी में हमने जब इसकी जांच पड़ताल किया तो इसने अपने भतीजी आपसा परवीन के नाम पे एक मकान जो आप देख रहे हैं यहीं पे जिसकी कुर्की की गई है उसने 2022 में खरीद कर और उसको जो कि दे दिया
लेकिन जब इसके जो स्वामी हैं उनके बारे में पता किया गया कि इसके आय का स्रोत क्या है, मकान इन्होंने कहाँ से बनवाया, उन्होंने कोई जो है कि वैध स्रोत उनका नहीं पता चला, जबकि हमारे स्रोतों से यह पता चला कि यह गैंगस्टर अभियुक्त जो है उसने ही जो है कि इस मकान को अपने भतीजी को दिया था। लिहाजा उक्त मकान को आदेशानुसार श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के हमने इसको कुर्क कर दिया है। इस कुर्क संपत्ति की जो कुल वैल्यू है, जो जमीन और उसके ऊपर जो मकान है, 39,20,000 जो 50.63 स्क्वायर मीटर एरिया में है, इसको हम लोगों ने जो है कि आदेशानुसार इसको कुर्की की कार्रवाई की गई है, उक्त संपत्ति राज्य सरकार में निहित कर दी गई। सर आरोपी कहाँ है, अभी जेल में या फिर बाहर? आरोपी इस समय बाहर है और फरार है, जबकि यह थाने का जो है कि पूर्व का जो है कि मजारिया गंगेश्वर है और ये समय फरार है। कहाँ पे सर ये मकान है? ये पूरा लच्छी राय में है इस समय वर्तमान में। थाना सर बचने के लिए अपनी भतीजी को रजिस्ट्री कर दिया था? जी जी चलो थैंक यू।